तो गेम खेल रहा था जी। भाई जिस आदमी का खुद का गेम ओवर होने वाला है, हैं, वो गेम खेल रहा है। बताओ गेम खेलना है तैने, चल गोली गोली खेले। कैरी ऑन। नहीं ओके बाय। आइए आइए। ओ विदा होती दुल्हन मायके की प्यारी, आंसू थम ना पाएंगे कि हीरोइन। अबे क्यों है तू और क्यों टसवे बहारा? मैडम मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओ तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो हम क्या करें यार? तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम यहाँ पे कोई चमेली चंपी वाली, मेरा मतलब है मुन्नी मालिश वाली, मेरा मतलब है कि अपने सर की चंपी कराने आए हो क्या? मैडम मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैडम इसलिए मैं आपके पास हेल्प की गुहार लेकर आया हूँ। वेल डूड्स, व्हाट इज द मैटर? इज द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द चुप कर। कैरी ऑन। नाम बोल दो अपना। मैडम मैं हॉर्मोन्स हूँ। हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स बावेजा। देखो देखो यार, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, जरा आसमान खोल के तोल मोल के मैडम के सामने बोल दो, क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का इंटरनेट कनेक्ट हो गया है ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की करंट की देवी, मेरा मतलब है लाल मिर्च की ग्रेवी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम मेरी एक बीवी है जो MBBS पढ़ रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैडम सारे प्रयोग, दवाइयों के सारे प्रयोग वो मुझ पर ही करती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। अब कल रात की बात ले लीजिए मैडम, कल रात को मैं आराम से सोया था दादाजी, तो अचानक इतना बड़ा इंजेक्शन उसने मुझे मार दिया। अरे हंसो मत दादाजी, मुझे दुख रहा है। मैंने पूछा कि इतना बड़ा इंजेक्शन क्यों मुझे मारा, तो कह रही है कि तुम्हें ना नींद में बहुत खर्राटे भरते हो इसलिए। मैडम मेरे बाल झड़ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी देखो मुझे वो गोलियां खिलाती रहती है। अबे थारी बीवी MBBS कर रही है, करती रहे, अबे थारे पे क्यों निकाल रही सारी डॉक्टरी? अरे वो तो सुनिए मैडम, अरे मेरा अच्छा खासा नाम था हरिमन, वो उसने बिगाड़ के कर दिया हॉर्मोन्स, इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। यार तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो तुम्हारी बीवी तुम्हें कोई बाल झड़ने की दवाई नहीं देती है क्या? अरे इतनी सारी दवाइयां ली इसलिए तो मेरे बाल झड़ रहे हैं। मैडम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे यहाँ पे बुलाइए और उसे समझाइए कि अपना ये जो प्रोफेशन है ना वो निजी लाइफ में इस्तेमाल न करे, मेरे बाल झड़ रहे हैं वरना मैं कुछ कर डालूंगा। अरे यार तो तू उसका हस्बैंड है, तू आदमी बन, जरा डेयरिंग ला, उसको मना कर। तू अगर मैं उसे मना करूंगा तो वो मुझसे रूठ जाएगी, और रूठी हुई बीवी मुझे पसंद नहीं है। बुलवाओ भैया इसकी मुन्नी बहन MBBS बीवी ने। What are this? Men are such cry babies, I tell you. Good morning. How are you now? Open your mouth. गारंटी पीरियड खत्म हो गया, कितना जियोगे तुम? गुड मॉर्निंग, वार्ड नंबर 5 का पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, वेरी गुड। हाउ देयर, हाउ आर यू नाउ? ब्रीथ प्रॉपर्ली,
fast. Very good. Open your mouth. Take this. What about you? हो गई डॉक्टरी या अभी बाकी से? कैसी औरत है मैडम, ये क्या कर रही है? जबरदस्ती मुझे कैप्सूल खिला दी इसने और मम्मी जी मुझे गोली. गोली नहीं, भोली. हाय, आई एम डॉक्टर भोली. मेडिकल के इतिहास में क्वाक 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 क्वाक. और ऐसे मत कहिए वरना मैं रूठ जाऊंगी. हूँ अरे अपने मेडिकल के इतिहास के चक्कर में अपने पति का भूगोल और ज्योग्राफिया और भविष्य क्यों बिगड़ा रही है तू? ये आप क्या कह रही हैं मेडिकल के इतिहास में? क्वाक 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 क्वाक. ऐसा थारा हस्बैंड हरिमन? हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स मैडम. मेडिकल के इतिहास में क्वाक 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 क्वाक. अरे हॉर्मोन्स की बीवी डॉक्टर नहीं एटम बॉम हैं भाई. ऐसा है मैं तने के समझा रही हूँ, तू जो कर रही है ना गलत कर रही है. क्या MBBS करना गलत है? मैं तो वही कर रही हूँ. हॉर्मोन्स डार्लिंग, तुमने मेरी इनसे शिकायत लगाई, जॉब में तुमसे रूठ जाऊंगी. मेडिकल के इतिहास में क्वाक 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 क्वाक. नहीं नहीं भोली डार्लिंग, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई. मैंने तो सिर्फ मैडम से हेल्प मांगी क्योंकि अब मैं और गोलियां नहीं खा सकता. क्या? हाँ. और फिर ये जो मैं इंजेक्शन लाई हूँ ये मैं किसे लगाऊंगी? हाँ मैडम ये My God, मम्मी जी, what is that? This da, is da? Oh, बावड़ी डॉक्टर. ऐसा है तू MBBS कर रही है, करती रहे तू. अपने पति पे इतने अत्याचार, सारे एक्सपेरिमेंट पर रहे हो, क्यों कर रही है? ऐसा है किसी दिन कोई प्रयोग जो है फेल हो गया और गलत हो गया ना तो निमट जाएगा पति. फिर करती रही हो अकेली, इंजेक्शन लगाती रही हो लोगों को. एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पति हैं, आपके नहीं. आपको इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे मेरे कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, मैं टाइम से पहले निकलती हूँ. मैं कॉलेज जा रही हूँ डार्लिंग, तुम घर पहुंचो. आज मैं तुम्हें पहुंचाऊंगी मेडिकल के इतिहास में. मैडम मुझे नहीं लगता आपके कहने का कोई भी असर हुआ है इस औरत पे. मैडम कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा. मैं निकालू रास्ता? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला चंटू चंटीला एडिया आ रहा है. अरे सुनिए तो सही, टू गुड आइडिया भाई. ऐसा है हरिमन, गुड नेम यार, तू अपनी वाइफ से जाके कह कि थारी एक रिलेटिव एक दूर की जो है कजन विदेश से आ रही, चाइना से है. चाइना में तो मेरी कोई रिलेटिव्स नहीं है. चाइना से आ रही और वो थारे संग रहेगी कुछ दिन और उसने सैफ की ट्रेनिंग ले रखी है. सैफ की ट्रेनिंग लिए तो करीना ही होगी. सैफ कुकिंग वाला सैफ, टोपी बड़ी होटल्स में सैफ. शायद या दिस वन. हाय सैफ वही. वन o'clock इन my हाउस देर was अ कैट देर was अ माउस. सर चौटाला हम यहाँ हैं, हम यार. सर आप ये कुकिंग क्यों कर रहे हैं? वो क्या हो गया ना, हमारे घर के पास एक बड़ा पानी का पाइप है, पाइप फूट गया, सारा पानी हमारे घर के अंदर. हम क्या करते हैं, आज भी तो हमने यही बताई, आपको पता नहीं है? तो काफी भूख लग रही थी, नाश्ता बना दिया. क्या माइंड ब्लोइंग ब्रेकफास्ट बना हमने. लेकिन बनाया क्या है सर आपने? चीला. चीला होता है ना जिसमें पिज्जा बनता है, जिसमें रोटियां बनती है, बस खाया आपने चीला कभी? खाया आप लोगों ने? बहुत खाया सर. तो खा के देखोगे खाना है तो? बापू माइंड ब्लोइंग बनाते हो. हाँ सर, काफी कमाल की दिख भी रही है सर ये चीज. सर काफी टेस्टी होगी, मैं जरा ट्राई कर लूं. अरे बिल्कुल ट्राई करो. ए, हुई ना बात सर. ओहो गरम भी है सर. अरे थोड़ा खट्टा है ना, थोड़ा खट्टा लगता है लेकिन टेस्ट जबरदस्त है. हाँ बिल्कुल. नहीं कोई बात नहीं, एंजॉय करने दीजिए. खट्टा है, टेस्ट मजे ले रहा है वो. चटपटा है, कैन आई
taste is the? Of course, you can the. Karo, karo. Taste karo. Oh, yeah. What? Oh, my God. खुशी के मारे बेहोश हो गया है। हमको ऐसे बड़े बड़े रिएक्शन मिलते हैं, कभी कभार मिलते हैं ऐसे रिएक्शन भी। अभी टेस्ट करी? सॉरी सर, अनाज का अपमान मैं कतई ना करती, लेकिन इससे ज्यादा बेकार और इससे ज्यादा बाहियात खाना मैंने लाइफ में नहीं खाया। आप एक नंबर के बोड़म, एक नंबर के बंडल, बेकार कुक है सर। सर कभी ना करिएगा कुक। सर सर आप एकदम बेकार कुक हैं सर, एकदम थर्ड क्लास कुक। लेकिन यो ही वेपन आपका इस केस में काम आएगा सर। आपकी बात कुछ समझे नहीं मैं चौटाला। सर बात ना समझिए, मैं आपको केस समझा देती हूँ। आपने सिर्फ बेकार खाना बनाना है और केस में हमारी मदद हो जाएगी। इब आप बोलिए, आप हमारा साथ देंगे या नहीं? अरे आपका साथ तो हम सात जन्मों तक देंगे। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। मतलब इस केस में देंगे, इस केस में आपका साथ देंगे। इसे दूर कीजिए सर थोड़ा। अरे खाओ एक और, जरा चख के देखो। हटाइए सर इसको। नहीं नहीं सर, इसे हटाइए सर। सर डर गया है बालक। सिस्टर सिस्टर या कम ही आ रही है या माय ब्रदर माय ब्रदर सिस्टर सिस्टर माय ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर हाउ 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 नी हाउ नी ओके ओके नी में दर्द होगा ना, इंजेक्शन लगाऊंगी, डोंट वरी। क्या दौड़ रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं? सिस्टर 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 देखो ये कौन है, तुम्हारी भाभी। भाभी नी हाउ। एनीवेज मेरी कमर में दर्द है। नमस्ते, वेलकम टू इंडिया मेडिकल के इतिहास में। ये साथ में कौन है सिस्टर? ये हमारा असिस्टेंट है, इसका नाम है हाउ। हाउ बोलो नी हाउ। ज्यादा हो रहे हैं, मरवाएंगे क्या? सब कुछ कर रहा हूँ, ज्यादा लग रहा है हमारा। पंजाबी चाइनीज। जल्दी मेरी भाभी को वो वाला डिश खिलाओ जो हमने प्लेन में बनाया था। उसकी क्या जरूरत है, मैं घर से खा के आई हूँ मेडिकल के इतिहास में। नहीं नहीं, खाना तो पड़ेगा 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 पड़ेगा। क्या है ये? ये है पंजाबी तड़के वाला स्वादिष्ट ड्रैगन फ्लाई चिकन निंजा चाउ चाउ। नो थैंक्स, मैं नहीं खा पाऊंगी, सॉरी। भैया अगर भाभी हमारा आज का खाना नहीं खाना मांगती है तो हम चाइना वापिस जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नो सिस्टर नो सिस्टर, अरे खा लो ना प्लीज डार्लिंग, वरना ये चली जाएगी चाइना वापिस, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ओके ओके खा रही हूँ मेडिकल के इतिहास में। एनीवेज क्या है ये? मैडम गुड न्यूज। अबे गुड न्यूज ना सर, का बैड न्यूज वाला भैयात खाना खा के हो गई हो हालत। नहीं मतलब केस में तो मदद हो रही है ना सर? Oh my God! It's so delicious! Very fine! पसंद आया, try, eat it! Okay, अब घर चलते हैं, आइए मेडिकल के इतिहास में, please come. Sister, come. Good job, sir.
वैसे चाइनीज गेटअप काफी सूट कर रहा है आपको। वैसे मैं चौटाला, आप भी इसमें काफी बढ़िया लग रही हैं। चाइना चले। आए, क्या खाना बनाते हम, इन लोगों को तो टेस्ट का मतलब ही नहीं पता। सॉरी गलती से टकर हो गया। इट्स ओके। भाभी भाभी को अपना नया वाला डिश खिलाते खिलाते। ट्राई ट्राई। नो नो, थैंक यू सो मच, मेरे लिए बनाया है, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी मेडिकल के इतिहास में। मैं चाइना जा रही हूँ, मुझे उठा दिया। ए, सॉरी सॉरी सिस्टर सिस्टर। अरे डार्लिंग क्या कर रही हो, अरे खा लो ना वरना ये चली जाएगी। लगता है मिस चौटाला ये धमकी से नहीं मानेगी, इसे चाइना लैंड लेके जाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अरे मुझे छुड़ाओ। नहीं हाँ। से कोई नहीं छुड़ा। नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, मैं नहीं खाऊंगा। My God, इतना घटिया बकवास खाना। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम दुनिया की एक नंबर की घटिया शेफ हो, और तुमसे भी गया गुजरा है तुम्हारा ये असिस्टेंट। हाँ, मेडिकल के इतिहास में मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बर्दाश्त करने की हद हो गई है, मैं कल सुबह जाके सबसे पहले तुम लोगों के खिलाफ FIR लिखवाऊंगी, आई समझ में, मेडिकल के इतिहास में। और तुम निहाओ। थैंक यू वेरी मच मैडम। वैसे सर इतना बाहियात और घटिया एकदम टॉर्चरस खाना कैसे बना ले? सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, चाइनीज मैन सर, है ना, है ना। हम आपके मुंह से बस यही सुनना चाहते थे मिस चौटाला। वैसे आप भी ये चीनी लैंड में काफी बढ़िया लग रही है। बोली सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी मेडिकल के इतिहास में, मैं FIR लिखवा के रहूंगी मेडिकल के इतिहास में। अरे क्या हो गया, आप इतना हल्ला क्यों कर रही हैं, हुआ क्या है? Well, Papi ji told me what is not happening. What happened? Hey, yeah, this one. भाई क्या बात हो गई हैं? कल की डॉक्टर नहीं, आज की एंग्री यंग वूमन कैसे बन गई? मैडम मुझे FIR लिखवानी है मेडिकल के इतिहास में। किसके खिलाफ लिखानी है FIR? मैडम इनकी एक दूर की बहन के खिलाफ, जो बहुत दूर चाइना से आई है मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो भाई चाइना से आना तो कोई जुर्म की बात है ना। पूरी बात सुन लीजिए मैडम, वो शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रही है मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो ये भी कोई जुर्म थोड़ी ना है। भैया पूरी बात सुन लो पहले, वो इतना बुरा खाना बनाती है अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते मेडिकल के इतिहास में। Well, भाप। I mean, Papi ji, this is not the any jurm is the. सुनो ससुर जी पूरी बात सुन लो। हर बार खिलाती और पूछती है इतना बुरा खाना खिला के कैसा बना भाभी जी मेडिकल के इतिहास में। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? बुराई? अरे ये भी कोई बात हुई? आ आ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कैसे ना कर सके? अबे जब तू अपनी डॉक्टरी के पूरे प्रयोग अपने पति पे कर रहा है तो वो क्यों ना कर सकते अपने खाने का प्रयोग थारे पे? लेकिन मैडम ऐसा कैसे कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ को रियल लाइफ में ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वैसे जैसे कि तू अपने पति का प्रयोगशाला बना रखा है तेने, न दवाइयां न कैप्सूल न इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोके जा रही है ना तू अपने पति पे, वैसे ही इसकी बहन यानी थारी ननद थारे पे अपने फूड एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर रही है। तू करे तो सही, कोई और कर दे तो गलत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था मैडम। हाँ तो सोचो, और तुम ये सोचो इसीलिए मैडम ने ये सारा ड्रामा किया। और हाँ बोली डार्लिंग, ये मैडम ये ना मेरी बहन बनकर हमारे घर आई थी। yes! और इनके जो असिस्टेंट है ना वो इनके सीनियर अफसर हैं।
मेरे बाल झड़ गए हैं। Oh my God! Yes, मम्मी जी, ये सब मम्मी जी ने इसलिए किया था ताकि आपको एहसास हो सके। और मन्ने यकीन है कि तेरे एहसास हो गया है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ किसी और पे थोपना गलत बात हो गया। Yes, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए और तुम भी मुझे माफ कर दो हॉर्मोन्स। आई मीन हरिमन, मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी गलत थी। आई एम सॉरी। वेरी गुड, इब अपने घर को निकलो और घर में दवाखाना मत खोलो प्लीज। चलो बोली डार्लिंग, घर चलते हैं। और हाँ देखो, अब तुम्हें ना मुझे यकीन हो गया कि कोई भी गोली मुझ पर ट्राई नहीं करोगी और मुझ पर कोई भी प्रयोग नहीं करोगी। हाँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स डार्लिंग, कोई प्रयोग नहीं करूंगी। तो चले एक्शन। ठीक है, इंजेक्शन लो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।